सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। बेहतर यही होगा कि आप कोशिश करें, शायद इसमें आप कामयाब हो जाएं और उससे कुछ सीखें, बजाय इसके कि आप कुछ करें ही नहीं। जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है उसे करने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता, चाहे रात के एक ही क्यों ना बज रही हो। हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहो, क्योंकि जो चीजें आसानी से मिल जाती है उसकी कोई कद्र नहीं करता। आज का पंचांग 6 जुलाई 2022 दिन बुधवार, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि शाम 7:48 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र सुबह 11:44 तक रहेगी। इसके उपरांत हस्त नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:31 से 2:11 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगी। कर्क राशि 6 जुलाई 2022 दिन बुधवार। आज के दिन आपका भाग्य आपके साथ है। आज आप ऐसा भी कुछ कर सकते हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी ना हो। आपके सभी प्रयासों में भाग्य आपका साथ देगा। आपको पता है कि मेहनत से ही सफलता मिलती है। अभी तक आपका भाग्य आपके साथ नहीं था, लेकिन आज आप अपने समर्पण की बदौलत कुछ भी हासिल कर पाएंगी। मार्केटिंग और मीडिया संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल करने में ध्यान दें, इससे आप अपनी योजना को उचित अंजाम दे पाएंगे। किसी से सहायता की अपेक्षा न रखकर अपने कार्य को स्वयं ही निपटाने का प्रयास करें। परिस्थिति में अत्यंत धीमी गति से बदलाव नजर आएगा। अभी के समय में एक एक समस्या को सुलझाने की कोशिश करें। हर एक समस्या एक दूसरे से जुड़ी हुई है जो आपके ऊपर दबाव बना सकती है, लेकिन किसी एक ही समस्या को पूरी तरह से खत्म करने के बाद अन्य समस्याएं दूर होगी। करियर से संबंधित बातों पर ध्यान देने की वजह से नए अवसर प्राप्त करना आसान होगा। रिलेशनशिप से संबंधित नकारात्मकता उत्पन्न हो सकती है, उसे दूर करने के लिए पार्टनर के साथ तालमेल बनाएं। सेहत को सुधारने के लिए प्रयत्न बढ़ाने की आवश्यकता है। सावधानियां: अपने मकान गाड़ी आदि से संबंधित पेपर्स को संभाल कर रखें। आपकी भावनाओं और उदारता का कोई नाजायज फायदा भी उठा सकता है। कभी कभी आलस और आराम करने की इच्छा आपके ऊपर हावी हो जाती है, अपनी इन कमियों पर काबू पाएं। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। रिश्तों की गंभीरता बनाकर रखने से परिवार में भी सुख शांति बनी रहेगी। आपको दूसरे लोगों की लव लाइफ के ड्रामे का हिस्सा बनने के लिए मजबूर किया गया है। आपको स्पष्ट तौर पर इससे बचना चाहिए और अगर आप नहीं बच सकते तो आपको किसी का भी पक्ष नहीं लेना चाहिए। दोनों विरोधी पक्षों को आप सही सलाह तो दे ही सकते हैं, वह बेच सकते। अपने लिए कुछ नए और जबरदस्त प्लान बनाएं। बात करते हैं करियर की। आज के दिन प्रशासनिक नौकरी में या किसी भी क्षमता में सरकार के लिए काम कर रहे लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। जो भी विस्तारपूर्ण काम का जो काफी समय से लंबित था उसे करने के लिए आज प्रयत्न करें, क्योंकि वह आसानी से समाप्त हो जाएगा। अगर आप अपने वर्तमान कार्यस्थल पर बेचैनी या फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं तो आज के दिन एक नई नौकरी के लिए उपयुक्त है। अगर नई नौकरी एक प्रशासनिक क्षमता को लेकर है तो निकट भविष्य में आपकी सफलता की पूरी संभावना है। इस समय व्यवसाय कार्यों को बहुत सावधानी से करने की जरूरत है, क्योंकि तैयार माल रुक भी सकता है। वर्तमान परिस्थिति में ज्यादा लाभ की उम्मीद नहीं है। अपने किसी लक्ष्य के प्रति रुकावट आने से घबराएं नहीं, मेहनत से कोशिश करते रहें। बात करते हैं सेहत की। संतुलित खान पान व दिनचर्या की वजह से एसिडिटी और पेट खराब होने जैसी समस्या हो सकती है। व्यायाम अवश्य करें। आपको अपने स्वास्थ्य संबंधित आदतें सुधारनी होगी, नहीं तो आपकी सेहत खराब हो सकती है।
अगर एक बार आपकी सेहत खराब हो गई तो आप आसानी से इसे संभाल नहीं पाएंगे। अपने लिए व्यवहार और डाइट संबंधित पैटर्न का एक सूची बना ले और हर रोज यह देखे कि आप इससे अलग तो नहीं जा रही हैं। हालांकि यह आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो केवल ताजा पका हुआ खाना ही खाएं। आज का उपाय, आज अब गणेश भगवान जी को नारियल चढ़ाए शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।